गाजीपुर जनपद के भीमापारा क्षेत्र के बभन चौक गांव की विद्या दीक्षित ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मठ कोठिया प्राथमिक विद्यालय पर किया ध्वजारोहण। 70 साल की विद्या दीक्षित का जोश देखने लायक था। उनके पति हरिहर दीक्षित एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे और पुत्र सतीश कुमार दीक्षित कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पुत्रवधू डॉक्टर नीलम दीक्षित अभी भी बिहार प्रांत के गया जिले में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कर्नल के पद पर तैनात हैं, एवं उनकी पौत्री डॉक्टर कीर्ति दीक्षित, जो कि अब तक डॉक्टर के रूप में लोगों के जीवन की रक्षा कर रही थी, वह बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात हैं। विद्या दीक्षित ने सीएन न्यूज से साक्षात्कार के दौरान बताया कि मेरा पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है और देश की अभी भी सेवा कर रहा है और करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान मुबसेरा परवीन, कंचन सिंह, रेखा सिंह, रेणु आदि उपस्थित रहे। लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने देश के लिए सेवा दिया है। गाजीपुर जैसे जिले से जाके कर्नल बनना, गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल में ही, देश है, प्रदेश है, सबके लिए गर्व की बात है। क्या कहेंगे, दो शब्द अपने बेटे के लिए। अच्छा काम किया बेटा, आप लोग नाम कर रहे हैं, यही है। और मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं। 15 अगस्त आपके लिए माता जी, आपने अभी हम लोग देख रहे थे कि आप झंडारोहण में पूरे दमखम से नारे लगा रही थी, तो वो आज भी वो जोश और जज्बा आप में कायम है, तो अच्छा लगता है माता जी आप ऐसे प्रोग्राम में आती हैं। तो 2 लाइन देश के लिए क्या कहेंगे। बेटा ज़्यादा बोल नहीं पाती, बीमार रही हूँ। ठीक है माता जी, धन्यवाद। आज हमारे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। और हमें अपने देश के लिए अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो का क्या महत्व है आपके नज़र में। 15 अगस्त हमें ये पता था कि हमारा देश इसी दिन स्वतंत्र हुआ था और कितना हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया इस दिन को पाने के लिए। तो है कि कम से कम 50 लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों को ही आप बुला सकते हैं और आपके जो सीनियर मोस्ट आपका जितने विलेन है, वोमेन है, उनसे आप फ्लैग हॉस्टिंग करवा सकते हैं। तो आज जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि महिला सशक्तिकरण को लेके आप लोगों का भी प्रयास सराहनीय रहा कि आप गाजीपुर के सतीश दीक्षित जी के माताजी को आप लोगों ने इन्वाइट किया, जो गाजीपुर के नहीं वो देश के कर्नल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे। आज भी उनके अंदर जोश, बहुत ज़्यादा जोश है, उनको हम लोग फ्लैग हॉस्टिंग करवाए, उन्होंने ही नारा दिया और शायद हम लोग से भी ज़्यादा अच्छा वो नारा दिए और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति है। जिसे लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ बहुत से कार्य कर रहे हैं, जैसे गैस महिलाओं के नाम से, राशन कार्ड उनके नाम से, और अभी जैसे तो मिशन शक्ति को लेकर क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि खुद महिला हैं। मिशन शक्ति एक तरह से हमें लगता है कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार चलाई है और बहुत अच्छी योजना है ये, जैसे राशन कार्ड में महिलाओं का नाम आना या मनरेगा में भी महिलाओं को आगे आना। 15 अगस्त के लिए क्या कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से हम लोग इतनी अच्छे से तो मना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे फिर भी प्रयास है कि जितना हो सके बच्चों में उत्साह, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या 10-5 बच्चों को यहाँ बुलाकर प्रांगण में किसी भी तरह से उन तक ये बात पहुँचाया जा सके कि हाँ 75वीं वर्षगांठ जो है हम उसे मना रहे हैं, वो सही ढंग से मना रहे हैं और उनके अंदर वही जज्बा भी कायम है। आज आपके स्कूल में
गाजीपुर के रिटायर्ड कर्नल सुतो दीक्षित की माँ आई थी। काफ़ी वृद्ध महिला थी, फिर भी उनके अंदर जो जज्बा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल, उनका आना हमारे लिए काफ़ी सम्मान की बात है और उनको देखकर हम लोगों में भी ये है कि जो एक मानसिकता होती है कि शायद 60 के बाद या 50 के बाद औरतों में वो जोश नहीं रहता है, वो शायद 70 या 75 वर्ष की महिला है, उनको द्वारा जो नारा दिया गया वो सराहनीय है और हमारे अंदर भी वैसा बनने की भावना उत्पन्न होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहेंगे? आप जानते हैं किसी भी देश का विकास जब तक दोनों का संतुलन न हो तब तक संभव नहीं है, और महिला सशक्त होगी तभी देश सशक्त होगा, तो महिला सशक्तिकरण तो देश की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। CN News के लिए गाजीपुर से श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट।